हेलो। तो आज हम लोग समझते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, वेबसाइट होता क्या है। तो वेबसाइट्स हम लोग ऐसे, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो आता है। तो लेट्स सी, पहले हम लोग इसको डेफिनेशन समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये होता क्या है। तो अब वेबसाइट एक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एसेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो एक वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं, उसी का क्या होती है, कलेक्शन होती है। ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैंने आपके लिए लिख दी है। तो वेबसाइट एक कलेक्शन होती है वेब पेजेस की। वेब पेजेस दैट आर शेयर अ सिंगल डोमेन नेम, ये क्या, एक सिंगल डोमेन नेम शेयर करते हैं। वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल, ये कौन कौन बना सकता है और कौन मेंटेन कर सकता है, कोई एक इंडिविजुअल भी, एक ग्रुप भी, एक बिजनेस भी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी, जिसका जो पर्पस हो। वेबसाइट आर होस्टेड ऑन सर्वर्स, ये किस पे आते हैं, सर्वर से, एंड रिक्वायर्ड अ वेब ब्राउजर सच एस क्रोम, ये किस पे रन करती है, इसको एक वेब ब्राउजर की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर टू बी विजिटेड आइदर ऑन द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। अ वेबसाइट कैन बी एसेसिबल डायरेक्टली बाय एंटरिंग इट्स यू आर एल एड्रेस, हम लोग डायरेक्टली इसको यू आर एल एड्रेस में इंटर करके भी जा सकते हैं। वॉट इज़ यू आर एल एड्रेस, तो ये जो हमने अभी देखा था ये यू आर एल एड्रेस है, https://www, उसके आगे जो भी हमारा एग्जाम्पल स्टूडेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, तो वो डालना पड़ेगा। बाय सर्चिंग इट इन टू अ सर्च इंजन, और या हम लोग सर्च इंजन में उसको सर्च करके भी जा सकते हैं, सर्च इंजन लाइक गूगल और बिंग। वेबसाइट कैन बी कैटेगराइज बाय देयर टॉप लेवल डोमेन्स, जो हमारी जितनी भी हमारी जो वेबसाइट होगी ये पांच चीज़ें से मिलके होगी, या तो वो किसी गवर्नमेंट के लिए होगी, तो एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए कोई भी, अगर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट बनती है, लाइक CBSE की हम लोग समझ सकते हैं, www ही बनती है, www.cbseNIC.in। नेक्स्ट इज एजुकेशनल, एजुकेशन के लिए कोई जो हम मैंने अभी बताई CBSE NIC.in, ये किसके लिए होगी, एजुकेशन के लिए होगी, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये एजुकेशन के लिए होगी। नेक्स्ट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG यूज़ किया जाता है, एजुकेशन के हमेशा पीछे EDU होगा, और गवर्नमेंट के लिए .gov, कमर्शियल के लिए .com, और इंफॉर्मेशनल के लिए IMFO। किसी वेबसाइट में अगर कुछ भी लिखा है .gov लास्ट में या फर्स्ट में, तो कहीं पे भी ये लिखा है तो आप समझ जाएंगे डायरेक्टली कि किसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ऐसे किसी में एजुकेशन लिखा है तो आप समझ जाएंगे वह एजुकेशन की वेबसाइट है। अब समझते हैं बेसिक वेबसाइट टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट बहुत छोटी होती है, द फर्स्ट टू हैव लिटिल टू डू विथ स्मॉल बिजनेस, सो वी विल स्पीड थ्रू दैम। नेक्स्ट इज फोटो शेयरिंग वेबसाइट, जिसमें हम लोग नॉर्मल फोटो शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट, कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट नंबर्स 2, 3, 4, 5 कैन बी हेल्पफुल टू स्मॉल बिजनेसमैन। ये जो 3, 4, 5 है ये स्मॉल बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट, वो अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, मोबाइल डिवाइस वेबसाइट या फिर ब्लॉग्स। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट और ऑनलाइन या ई कॉमर्स, ये थोड़ा सा बिग बिजनेसमैन के लिए यूज़ होती है और ये टारगेट ज़्यादा ऑडियंस को करती है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि पर्सनल वेबसाइट होती क्या है। पर्सनल वेबसाइट, जो फर्स्ट वेबसाइट का नाम था, योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मे ऑफर यू फ्री सर्वर स्पेस फॉर यू टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट दैट माइट इंक्लूड सम फैमिली फ़ोटोज़ एंड एन ऑनलाइन डायरी। इसमें क्या क्या हो सकता है, एक फैमिली फ़ोटोज़ हो सकती है, एक ऑनलाइन डायरी हो सकती है। यूजली दे हैव अ वेब एड्रेस, यू आर एल लुकिंग समथिंग फॉर दिस www योर ISP योर यूज़र नेम, इस टाइप से कुछ बनती है। दिस टाइप ऑफ साइट इज़ यूजफुल फॉर अ फैमिली, टीनेजर, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा टू स्टे इन टच विद ईच अदर। दिस टाइप इज़ नॉट एडवाइसेबल फॉर स्मॉल बिजनेस मैन, द URL इज़ नॉट सर्च इंजन फ्रेंडली एंड द लिमिटेड सर्वर्स कैपेबिलिटी योर ISP ऑफर
मे नॉट बी सोफेस्टिकेटेड इनफ फॉर अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट। नेक्स्ट इज जैसे ये हम देख सकते हैं कि ये किसी इंडिविजुअल के, ये है हमारी पर्सनल वेबसाइट, ऐसे हमारी एक पर्सनल वेबसाइट दिखती है। अब हम लोग समझते हैं फ़ोटो शेयरिंग। फ़ोटो शेयरिंग के लिए हम लोग ये सब ऐप यूज़ कर सकते हैं, पिकासा, या बहुत फैमिलियर नेम है फोटोशाइट, फ्लिकर डॉट कॉम, ये बहुत फैमिलियर डॉट, तो आप इजी समझाएंगे। दीज टाइप ऑफ वेबसाइट आर क्रॉपिंग अप लाइक फ्लीक्स ऑन डॉक्स। दीज आर वेब कंपनीज लाइक फ्लिकर डॉट कॉम, फोटोशाइट डॉट कॉम एंड गूगल्स पिकासा। देयर शुड ईजली बी ओवर 100 साइट दैट ऑफर यू फोटो शेयरिंग। ऐसे बहुत हंड्रेड्स ऑफ साइट है जो आपको ऑफर करते हैं कि आप अपनी फ्री में फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं या फिर पेड फॉर्म में ऑनलाइन एडवर। एंड ऑल्सो मैनी डिजिटल कैमराज एंड फोटो प्रिंटर्स नाउ कम विद सॉफ्टवेयर इनेबल्स मेयर मोन्स टू क्रिएट डिजिटल फोटो स्लाइड शो एंड अपलोड दैम टू दी वेब। इसकी कैसे दिखती है, कैसी होती है, फ्लिकर डॉट कॉम का है, आप लोग देखे होंगे, जिसमें फ्लिकर डॉट कॉम में ऐसा हमारा पेज आता है, इसमें साइन अप करना पड़ता है पहले, अपलोड करने के लिए, डिस्कवर देखने के लिए, शेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट, जो कि हमारा ये थर्ड टाइप का आ गया। ये कम्युनिटी, ये किसके लिए, कैन बी हेल्पफुल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। तो हम लोग देखते हैं दीज वेबसाइट बिल्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु कैन शेयर इंटरेक्ट विद अदर पीपल सोशली और मीट पीपल हु शेयर देयर इंटरेस्ट। ये लोगों को वेबसाइट में मतलब ये एक कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी है बहुत सारे पीपल की, जिसको अपने अपने इंटरेस्ट बताने में, लोगों से मिलने में बहुत दिलचस्पी हो, जैसे फेसबुक डॉट कॉम, या बहुत ईजिली अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि फेसबुक डॉट कॉम से कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर शेयरिंग एंड डिस्कशन म्यूचुअल इंटरेस्ट दीज आर ऑनलाइन फॉरम फॉर प्रैक्टिकली एंड एनी सब्जेक्ट यू मे थिंक ऑफ। फॉरम वेबसाइट कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प फॉर स्मॉल बिजनेस पर्सन। आपको देखा होगा फेसबुक में इवन बिजनेस भी होता है, कुछ लोग पेड फॉर्म में करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज फोटो शेयरिंग साइट्स मे बी कंसिडर कम्युनिटी बिल्डिंग साइट्स। फोटो शेयरिंग साइट्स को भी क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग साइट्स, सच इज ब्लॉगिंग साइट्स। ब्लॉगिंग साइट जहाँ हम लोग एक ब्लॉग लिखते हैं जिसमें लोग पढ़ते हैं कि क्या है, ये ऐसा फेसबुक डॉट कॉम का देख सकते हैं, आप इजिली फेमिलियर होंगे कि ऐसी साइट में फिर लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मोबाइल डिवाइस वेबसाइट। अब मोबाइल डिवाइस वेबसाइट क्या होती है, ऑल थ्रू इन एन इन्फेंट द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन सच एस आईपैड्स आईफोन्स मे विल बिकम मच मोर वाइड स्प्रेड प्रिवलेंट। वन प्रॉब्लम इज दैट स्टैंडर्ड वेबसाइट आर डिफिकल्ट टू व्यू एंड टेक लॉन्गर टाइम टू डाउनलोड ऑन सेम ऑफ द डिवाइसेस विथ देयर स्मॉल स्क्रीन्स एंड वायरलेस कनेक्शंस। वेबसाइट दोज पेजेस आर नैरो इन ब्रेथ एंड टेक अप लेस वेंड स्पेस वर्क मच मोर फॉर मोबाइल डिवाइस। अ न्यू डोमेन डिजाइन हैव बीन क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई वेबसाइट दैट आर मोबाइल फ्रेंडली दैट इज डॉट MOBI एज इन दिस। If I had a suggestion, if you have a small business that benefit you to view it on a mobile, अगर आपका small business है तो वो आपको बहुत helpful करेगा कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं वो आपका किस पे देख सके, अपने mobile phone पे ही देख सके, आपको mobile phones, cell phones, iPads, iPhones पे ही आप अपनी activities देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें आपकी जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज़ ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग आप पढ़ चुके हैं, अब एक बार और देख लेते हैं। पीपल टुक द वर्ल्ड वेब ब्लॉग्स एंड शॉर्टेंड इट टू द ब्लॉग्स ऑनलाइन डायरीज जर्नल्स और एडिटोरियल इफ़ यू विल। माई हाउ ब्लॉग्स हैव टेकन ओवर द इंटरनेट। अ पर्सन यूज टू बी अपडेटेड इफ ही और शी डिड नॉट हैव अ वेबसाइट, नाउ हैविंग अ ब्लॉग इज डी रिगर। अ ब्लॉग ओनर will log in on daily, weekly or whenever write about is whenever on their lives of business or maybe connect comment on policies and news. How wonder the internet is. Now anyone who can afford a blog can be self-published and allow his thoughts. Blogging एक ऐसी website होती है, एक personal website होती है जहाँ पर लोग अपने thoughts रिजल्ट करते हैं, लोग कभी भी अपना ब्लॉग लिख के पोस्ट कर सकते हैं। ये एक टाइप की क्या होती है, ऑनलाइन डायरी होती है, इंटरनेट पे की जाती है ये, लोग वो कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, डेली वीकली
और ये बिजनेस के लिए भी हो सकती है, और अपने थॉट्स को मेन इसमें लिखा जाता है कि आपके थॉट्स क्या बोलते हैं और ये दुनिया जानती है। एक ऐसा पेज होता है ब्लॉग पेज, आपका ब्लॉग इजी टू राइट, फ्लेक्सिबल, क्रिएट अ ब्लॉग, ये ऑप्शन है। इसमें आपको साइन इन करके फिर आपको पता चल जाएगा, इसमें आप अपना लिखिए ब्लॉग्स। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट में किससे चालू होती है? विकिपीडिया, या आप बहुत अच्छे समझ गए विकिपीडिया होता क्या है, या फिर ऑनलाइन एक इंसाइक्लोपीडिया जहाँ पे हर चीज़ का आंसर है, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ योर स्मॉल बिजनेस मे नॉट वॉन्ट टू बी अ कॉम्प्रीहेंसिव साइट, बट इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन टू शेयर और सेल, एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट शुड फिल द बिल। सपोज यू हैव लैंडस्केपिंग बिजनेस, you could create a website that lists plans with your definitions and planning and caring instructions. This would be helpful to people and you would use it to the lead people to your nursery. Of course, you could hybrid this site e-commerce and sell your planets online. ऐसी एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जहाँ पे विकिपीडिया पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, उसके बाद में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आने लगती है। अब होती है ऑनलाइन वेबसाइट या ब्रोचर या फिर कैटलॉग वेबसाइट, तो ऐसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसी के एग्जांपल्स हैं। तो देखते हैं हम लोग, इन द डेज बिफोर द इंटरनेट वी यूज द प्रिंट, रेडियो एंड टेलीविजन टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द बिजनेस। नाउ वी कैन कास्ट अ लार्ज नेट रीचिंग लिटरली मिलियंस ऑफ पीपल विद जस्ट ऑन वन वेबसाइट विद एनी वन ब्रोचर्स और कैटलॉग हु कैन शो एनी वन हु लुक for and find your website, photo and description of your products or services. To some this may sound like an e-commerce website, जिसको हम लोग e-commerce website भी बोलते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है? ये एक वेबसाइट है, इसमें एक वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया गया है, मुझे वेबसाइट तो रिजनेबल नहीं हो रही कि कौन सी वेबसाइट है, बट ये वेबसाइट है इन जिसमें ऑनलाइन बिजनेस या ब्रोचर के लिए, जिसमें वो अपना एक कैटलॉग दिए गए हैं, अपनी फ़ोटो दिए गए हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। आर यू हियर्ड ऑफ amazon.com? यस, amazon.com इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। इट्स वन ऑफ द ग्रैंड डैडीज ऑफ ऑल द ई कॉमर्स। इसको हम लोग क्या बोल दिए, ग्रैंड डैडीज। वाओ, आप लोग समझ सकते हैं कि अमेज़ॉन पे क्या होता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, स्मॉल से लेकर बिग अपने आप को कर सकते हैं और इसमें मिलियंस ऑफ पीपल तक रीच कर सकते हैं। ये एक है वेबसाइट की लिंक, ऐसी ही दिखती है, हम लोग अपना प्रोडक्ट है इसको सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट लिस्टेड है, किसमें ऑफ लगा है, किसमें इस पर 20% ऑफ है। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट होती क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।